करीब 30 साल तक जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन के दोस्त रहे अमर सिंह ने अमिताभ और जया बच्चन को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। दैनिक भास्कर .com के एक जर्नलिस्ट को दिए एक लंबे और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पहली बार उन्होंने खुलकर अमिताभ जया बच्चन के रिश्तों पर बात की। अमर सिंह ने बताया कि अमिताभ और जया अलग अलग बंगलों में रहते हैं। इस इंटरव्यू में अमर सिंह ने अमिताभ को श्रवण कुमार जैसा बेटा लेकिन जया बच्चन को एक खराब बहू कह डाला। उन्होंने कहा कि जया का व्यवहार अपनी सास तेजी जी से और ससुर हरिवंश राय जी से बहुत बुरा था। जया उन दोनों का अपमान किया करती थी और जया के इसी व्यवहार से व्यथित होकर अमिताभ पहले बांद्रा गए, फिर दिल्ली के गुलमोहर मार्ग के सोपान नाम के घर में रहने लगे। अमर ने ये भी बताया कि जब अमिताभ के माता पिता बीमार पड़े तो अमिताभ उन्हें लेकर मुंबई वाले बंगले प्रतीक्षा में गए। वहाँ पर भी जया के खराब बर्ताव को देखते हुए उन्होंने जया को एक अलग घर दिया और अपने माता पिता के साथ अमिताभ प्रतीक्षा में रहते रहे, जहाँ वो आज भी रहते हैं। अमिताभ से नाराजगी पर जब अमर सिंह से सवाल पूछा गया तो अमर ने कहा कि बरसों तक अमिताभ बच्चन मेरे अभिन्न और घनिष्ठ मित्र रहे, लेकिन जब मुझे अमिताभ का चाल चरित्र चेहरा समझ में आ गया उसके बाद मैंने उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। हर उस महफिल में जहाँ वो दिखाई दिए मैंने पीठ फेर ली। अमिताभ को लेकर जो मैंने फैसला किया, मेरे हिसाब से मैंने अपनी जिंदगी से गंदगी को छान लिया। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू से पहले अमर सिंह ने मुलायम और अखिलेश के विवाद को भी ड्रामा करार दिया है। वैसे तो अमर सिंह के बड़बोलेपन से सभी वाकिफ हैं। इससे पहले भी वो बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने निशाना लगाया है महानायक अमिताभ पर, जिस पर खुद अमिताभ, जया और उनके लाखों फैंस का रिएक्शन देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।